नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार के विफल साबित होने का आरोप लगाते हुए की ओर से आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील करार देते हुए तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। रांची के ओरमांझी में हुए बलात्कार और नृशंस हत्या के आरोपियों को पकड़ने और उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हेमंत सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब से झारखंड में यूपीए की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक 1765 बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि गुजड़ी में 7 आदिवासियों की हत्या हो गई, लेकिन उनके परिवार को सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। वहीं सरायकेला में तबरेज अंसारी की हत्या होती है तो इसके लिए सरकार भी रोए और यहां के सांसद ने भी मातम मनाया। हेमंत सरकार के राज में सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं और युवतियों के साथ दुराचार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि ओरमांझी में जो हत्या हुई वह बहुत निंदनीय है। जिसकी हत्या हुई उसका कटा हुआ सिर आज तक नहीं मिला। इससे पता चलता है कि यह सरकार कितनी निकम्मी है। जब आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया। इस धरना में सिर्फ एक ही बात है, बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था, यानी कि कानून नाम का कोई चीज़ झारखंड प्रदेश में रहा नहीं गया। यदि आप देखेंगे तो जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी है इस राज्य के अंदर, तब से लेकर के अब तक 1765 बलात्कार और हत्या हो चुकी है। यदि हम इसको जोड़ें से संभावनाएं दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए यह सरकार को शर्म आनी चाहिए और विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि सरकार बनने के बाद से हम देखेंगे तो जनवरी के माह में गुदड़ी प्रखंड के ग्राम बुरु गुली केरा में 7 आदिवासी जो निर्दोष है उसकी हत्या हो गई है। उसको ना मुआवजा मिला ना फिर सरकारी नौकरी मिली। ठीक उसके बदले में सरायकेला खरसावां जिला में तबरेज अंसारी की हत्या होती है। जैसे वो अपने भी चोर, उसका बाप भी चोर, उसका दादा भी चोर है, यह प्रमाणित हो चुका है। उसके लिए राज्य की सरकार भी रोई और यहाँ के सांसद भी छाती पीट पीट करके रोया, लेकिन आदिवासी जब मरता है और आदिवासी मुख्यमंत्री, उनके कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है राज्य के, अरे भाई राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी नन आदिवासी क्या मतलब है? राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। इनके शासनकाल में आदिवासी, सबसे ज़्यादा आदिवासी महिलाओं की बलात्कार हो रहा है। आदिवासी चाहे महिला हो, बालिकाएं हो, उनकी हत्या हो जा रहा है। झारखंड की विकास को रोक दिया गया। झारखंड में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, जो गंगा जी से विकास कर रहा था, विकास की नई पहचान छूने का कार्य कर रहा था, उन तमाम विकास कार्यों को हेमंत सोरेन सरकार ने रोकने का कार्य किया। भाइयों बहनों, एक छोटी मोटी घटना ही नहीं है, एक प्रदेश में 1700 महिलाओं के बलात्कार की घटना हो जाए, पुलिस व्यवस्था नकम्मा बन चुकी है।
अधिकारियों को हेमंत सरकार जवाब दे किस कारण से ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया। और खेल चल रहा है भाइयों बहनों, जिस अधिकारी और पदाधिकारी पैसा दे के पर्दाश्री पाबित होंगे वह जनता का काम नहीं करेंगे, बिचौलिया का काम करेंगे। इस जिले में बिचौलिया हावी, एक पुलिस प्रशासन के लोग बालू का कालाबाजारी कर रहा है, आयरन का कालाबाजारी कर रहा है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, खुली राम बोली लग रहा भाइयों बहनों। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह है और हमने हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा भाइयों बहनों। अब हमें मुखर होना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, इस निकम्मी सरकार के क्रिया चरित्र को बताने का कार्य करना होगा। नक्सलवाद एवं सरकारी उपेक्षा के कारण पिछड़ेपन का दंश झेल रहे सारंडा के ग्रामीण खुद से अपने हालात को सुधारने का आगाज कर चुके हैं। आज से कुछ ही साल पहले तक सारंडा में इन्हीं के जैसे युवाओं के हाथ में होता था अत्याधुनिक हथियार एवं बारूद का गोला, लेकिन अब इन हाथों ने हॉकी स्टिक थाम कर भटकाव के रास्ते से मुंह मोड़ने का प्रण लिया है। ग्राम स्वशासन अभियान के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के तहत मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती के अवसर पर सारंडा में विलुप्त हो चुकी हॉकी खेल की शुरुआत कर नया इतिहास बनाने का शुरुआत किया गया। जो हमारे इस सारंडा क्षेत्र में जितने भी युवा हैं, जो भटके हुए हैं, जो मैट्रिक पास करके जो फेल करके अपना जो गुजरात जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ग्राम सभा ने एक खेल के जरिए एक युवाओं में एक उत्साह भरने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये आयोजन की गई है। और हम ग्राम सभा की ओर से ये उम्मीद रखते हैं कि कल के जो भावी पीढ़ी है, हमारे युवा पीढ़ी हैं, उन सबों को एक नए प्रोत्साहन मिलेगी और वो अपना खेल में अपना योगदान देंगे और ग्राम सभा को भी अपना ग्राम सभा का महत्व को भी समझेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा में लगभग 2 दशक तक नक्सलवाद के तांडव से यहाँ आम जनता जनजीवन बेपटरी हो गई थी, वहीं युवा में खेलकूद प्रतिभा भी विलुप्त हो चुकी थी। पिछले 20 वर्षों की बात करें तो सारंडा की धरती एक भी खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाई। खेल के क्षेत्र से युवाओं को जोड़कर ना सिर्फ उन्हें भटकाव से रोकना बल्कि समाज के प्रति भी उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए समठा गांव की ग्राम सभा ने जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत कर अनूठी पहल की है। ग्राम सभा की सोच है कि युवा पीढ़ी खेल के क्षेत्र में भी करियर बनाना शुरू करे। हम लोगों का युवा में भी एकजुटता आए और वो लोग भी गाँव के जो संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज है, उनको जान सके और अपने भविष्य को भी खेल के माध्यम से आगे ले सके। आसरा संस्था द्वारा चलाए जा रहे ग्राम स्वशासन अभियान के तहत समठा गांव के ग्राम सभा की इस अनूठी पहल से आसपास के 8 गांव के लगभग 100 युवा खिलाड़ियों ने भाग लेकर सारंडा में विलुप्त होती हॉकी खेल को पुनर्जीवित करने एवं आदिवासी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित रखने का भी प्रण लिया। सारंडा के इस बदलते माहौल में अब विकास की नई इबारत आसानी से लिखी जा सकती है। और इसमें हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनमें बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनके में टैलेंट है और धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, तो ग्राम सभा के माध्यम से अपना संस्कृति, अपना पहचान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हॉकी बहुत दिन से लुप्त होने जा रहा है, इसलिए हम लोग इस सारंडा में कि जयपाल सिंह का मरंग ब्लू गम के जयपाल सिंह का जन्म दिवस जयंती मनाने के लिए हम लोग पुनः हम लोग हॉकी खेल को जीवित करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आसरा संस्था द्वारा चलाए जा रहे ग्राम स्वशासन अभियान के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का जो प्रयास हो रहा है वह काफी महत्वपूर्ण है। जरूरत है अब इन क्षेत्रों में सरकारी मदद रूपी संजीवनी की, ताकि यहाँ के लोग भी वैश्विक विकास के साथ कदम ताल कर सकें। जिगपानी स्थित एसीसी सीमेंट कंपनी में पिछले 4 दिनों से लोडिंग मजदूरों के अनशन के कारण सीमेंट डिस्पैच का काम बंद है। कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को
पूरा न करने एवं कंपनी तथा ठेकेदार के बीच वैधानिक इकरारनामा पूर्ण अनुपालन नहीं किए जाने से लोडिंग कार्य में लगे पुराने ठेकेदार मिसेस एसएन इंटरप्राइजेस को एसीसी कंपनी प्रबंधन ने टर्मिनेट कर दिया था। उसकी जगह पर कंपनी ने नया ठेकेदार बहाल किया है। उसके बाद से ही पुराने ठेकेदार द्वारा लोडिंग का काम कर रहे ठेका मजदूरों से प्रबंधन के खिलाफ अनशन करवाया जा रहा है। इस पर कंपनी प्रबंधन का मानना है कि मजदूरों को गलत बात बताकर बरगलाया जा रहा है, जबकि कंपनी प्रबंधन की ओर से मजदूरों के सारे हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। नया ठेकेदार के द्वारा सभी मजदूरों को उनका वाजिब हक, मानदेय एवं सुविधाएं नियमानुसार जारी रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी प्रबंधन की ओर से मजदूरों के किसी भी हक की कटौती न करने तथा औद्योगिक शांति बहाल रखने के लिए किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सिंहभूम के पूर्व सांसद मधु कोड़ा का जन्मदिन आज कांग्रेस भवन में मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मधु कोड़ा के अनुपस्थिति में उनकी तस्वीर रख कर के केक काटा। प्रतीक स्वरूप तस्वीर को ही केक काट कर खिलाया। जन्मदिन कार्यक्रम के मौके पर मधु कोड़ा के राजनीतिक सफर और उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा की गई। छात्र राजनीति के बाद मजदूर यूनियन के नेता के रूप में काम करने के बाद मधु कोड़ा सक्रिय राजनीति में आए। जगन्नाथपुर विधानसभा से 2 बार विधायक और 1 बार सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। निर्दलीय विधायक के रूप में झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। झारखंड युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विशाल गोप के नेतृत्व में नीमडीह बस्ती में जरूरतमंद लोगों के बीच 210 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को नए वर्ष का कैलेंडर भी दिया गया। इस मौके पर झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता हिमांशु राय, झामुमो के नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आशीष जायसवाल, गंगाधर देवगम, मुन्ना सोए, सुनील कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की कार्यशैली के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों और लाभुक समितियों में आक्रोश व्याप्त है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने आज रैली निकालकर प्रखंड विकास पदाधिकारी का पुतला दहन किया। पंचायत प्रतिनिधियों और लाभुक समितियों का आरोप है कि 15वें वित्तीय आयोग की योजनाओं का कार्य होने के बावजूद मजदूरी और सामग्री का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भुगतान नहीं करने के लिए पंचायत सेवक को भी मना कर रखा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी की इसी कार्यशैली के विरोध में आज पंचायत प्रतिनिधि, लाभुक समितियों के लोग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले सड़क पर उतरे और विरोध जताया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाया। आनंद कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीडियो आनंद कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीडियो आनंद कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम लोग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तत्वावधान में तातनगर पंचायत में 15वें वित्त योजनाओं क्रियान्वयन किया गया था। लाभुक समिति सिदमा, लाभुक समिति केड़ेसंद्री, लाभुक समिति सिरमासाई और लाभुक समिति तातनगर, ये चारों समितियां जो है हमारे 15वें वित्त योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे थे और कुछ योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। अभी तक इन लाभुक समितियों को अग्रिम राशि भी नहीं दी गई है। अग्रिम राशि नहीं देने के कारण बहुत सारे मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया है। मजदूर जो है लाभुक समितियों के घर पर आकर धरना दे रहे हैं। इसका जवाबदेही कौन देगा? आज जब सरकार बोल रही है कि 15वें वित्त योजनाओं में आने वाली मद की राशि जो है पूरे खर्च करनी चाहिए, तो फिर कहाँ ये फंस जा रहा है? पेमेंट करने में क्यों दिक्कत आ रही है? हम भी समझते हैं कि टाइट अनटाइट में बांटना है, हमने उसी के अनुरूप काम किया है, फिर भी वीडियो के द्वारा पंचायत सेवक को, ऑपरेटर को मना किया जा रहा है कि इन्हें भुगतान ना किया जाए।
और साथ ही मैं कहना चाहूंगी हमारे साथ दो पंचायत की मुखिया है, एक पूर्णिया पंचायत और एक अंगाडिया पंचायत। इन दोनों का ये समस्या है, इन लोगों ने 14वें वित्त से कुछ जलमीनार की कार्य पूर्ण करवाया है, अभी तक पेमेंट नहीं करवाया है, वीडियो ने रोका हुआ है और वीडियो को जो वेंडर कमीशन देते हैं उनका वो पास कर देते हैं, जबकि ये जो है मुखिया के डीएससी और पंचायत सेवक के डीएससी से करना है, तो फिर कहाँ ये वीडियो का मतलब दखल अंदाजी सही। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नौमुंडी प्रखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा क्षेत्र के वन ग्रामों का उपविकास आयुक्त संदीप बख्शी और अपर उपायुक्त एजाज अनवर ने भ्रमण किया। नौमुंडी प्रखंड के वन ग्राम रांगरिंग कुंडी और रोगड़ा का भ्रमण करते हुए पदाधिकारियों ने यह जानने और समझने की कोशिश किया कि आवागमन की सुविधा के लिए सड़क निर्माण कैसे कराया जा सकता है। एक गांव में सड़क की सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। उप विकास आयुक्त और अपर उपायुक्त ने ग्रामीणों से बात की और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की। एक ग्राम में संचालित स्वास्थ्य शिविर का भी उन्होंने जायजा लिया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करते हुए दवा और मच्छरदानी का वितरण किया गया। जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड और पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है उनसे आवेदन प्रपत्र भी भरवाया गया। भ्रमण के दौरान जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का, नौमुंडी के अंचलाधिकारी सुनील कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी समरेश प्रसाद भंडारी भी मौजूद रहे। गोवा में सेल कंपनी में कार्यरत गौतम कुमार बुधवार की शाम को रेल के इंजन का कपलिंग लगाने के दौरान घायल हो गए, उनके बाएं हाथ में गंभीर चोट लगी है। गौतम कुमार सेल में रेलवे इंजन के गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। सेल के बंकर में खड़ी आयरन और लदी मालगाड़ी को बंकर से निकालने के लिए इंजन को मालगाड़ी के साथ जोड़ा जा रहा था, इसी दौरान कपलिंग छिटक कर उनके हाथों पर लगा और वह घायल हो गए। आज के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।